तो चलिए डायरेक्ट हम साउथ इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस साइट पर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि साउथ इंडियन बैंक में हम जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए थे उसका हम नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि साउथ इंडियन बैंक का एक माई मिरर प्लस अकाउंट ओपन होता है, तो वो वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपल से आप देख सकते हैं। और इस पर जो हमारा वेलकम किट आने वाला था उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम मिरर प्लस के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें फुल KYC करने के बाद ही हम यहाँ पे कोई एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मनी ट्रांसफ़र होता है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग होता है, तो हम यहाँ पे काफ़ी पहले साउथ इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन किए थे लगभग 6 या 7 मंथ पहले, जिसमें हमें यहाँ पे फुल KYC नहीं किया गया था, जिसके कारण हमारा यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज नहीं हो पा रहा था। तो हम यहाँ पे फुल KYC करवा कर अब सबके बीच हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस साइट पर आ जाना है, इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉग इन, जो पहले से ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, सिंपल से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है लॉगिन। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूज़र आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हुए हैं। तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, सिंपल से आपको यहाँ पे फिर से न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ समय वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट में तो आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, सेकेंड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कार्ड वेरिफिकेशन, और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है यूज़र आईडी पासवर्ड सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट ये सारा डिटेल्स भरते हैं और जानते हैं कि क्या क्या डिटेल्स भरना पड़ सकता है। तो फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे 16 अंकों का जो हमारा अकाउंट नंबर होने वाला वो है यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद जो हमारा ईमेल आईडी अकाउंट से लिंक है सिंपल से आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यह कैप्चा आपको इसमें इंटर करना है। और कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिक्लेरेशन, सिंपल से डिक्लेरेशन पे क्लिक करके गेट माई OTP पे क्लिक करना है। चलिए यह फटाफट डिटेल्स फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, सिंपल से आपको OTP यहाँ पे इंटर करना है। अगर किसी कारणवश आपके मोबाइल पर OTP नहीं सेंड किया जाता तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रिसेंट OTP, सिंपल से आपको रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP सेंड करना है, और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा, सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे और वेट करने के बाद यहाँ पे हमें जैसे कि आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमारा ATM कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, सिंपल से आपको यहाँ पे अपना ATM नंबर डालना है, उसके बाद ATM पिन डालना है, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक्सपायरी डेट ईयर में, और यहाँ पे आपको मंथ में डालना है, और यह सारा डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट यह सारा डिटेल्स फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कुछ समय वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूज़र आईडी। तो यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी, यहाँ पे आप यूज़र आईडी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यही सेलेक्ट करने देना है। अगर आप कस्टमर आईडी यूज़र आईडी नहीं रखना चाहते तो सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेकेंड ऑप्शन, सिंपल से आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी बनाना है। तो यहाँ पे आपको पर डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर आईडी को ही यूज़र आईडी रहना देना है या आपको एक न्यू यूज़र आईडी बनाना है। तो न्यू यूज़र आईडी बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका यूज़र आईडी फिल करना है। यूज़र आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चेक एबिलिटी, सिंपल से चेक एबिलिटी पे क्लिक करना है, और चेक एबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है। और अगर आपका यूज़र आईडी किसी और यूज़र आईडी से मैच नहीं किया जाता है तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी कन्फर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का चीज नहीं देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यूज़र आईडी किसी अदर यूज़र आईडी से कन्फर्म हो जाता है तो यहाँ पे आपका दूसरा यूज़र आईडी बनाना पड़ता है।
तो यूजर आईडी यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। चलिए पासवर्ड की तरफ चलते हैं। पासवर्ड के तरफ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दो पासवर्ड। फर्स्ट पासवर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है लॉगिन पासवर्ड, और सेकेंड पासवर्ड में हमें यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड फिल किए होंगे सिंपल सा आपको वहाँ पे वही लॉगिन पासवर्ड कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड में डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड आपको दोनों डिफरेंट रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करेंगे और किसी को आप मनी ट्रांसफर करेंगे, तो वहाँ पे मनी ट्रांसफर के लिए आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, या अगर आप सर्विस यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड देना पड़ता है। और लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे हमारा यह होता है कि जब वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। चलिए फटाफट यह दोनों पासवर्ड बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जब आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट में तो पहले आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोअर कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे अपर लोअर और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आपको तीनों टाइप का पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड आपका यहाँ पे 8 डिजिट से ऊपर और 15 डिजिट के अंदर होना चाहिए। और सारा पासपोर्ट का यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ दोनों पासवर्ड डालने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे ही हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है कंफर्म ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाले वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम चारों पासवर्ड फिल कर लिया है, चारों पासवर्ड आपको भी फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबमिट बटन, सिंपल बस आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है डियर कस्टमर योर साउथ इंडियन बैंक नेट बैंकिंग यूजर आईडी इज, आप जो बनाए होंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं बनाए होंगे तो आपको यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी ही यूजर आईडी रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कंटिन्यू टू लॉग इन। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली अपना नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चलिए हम लॉगिन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट बार लॉगिन करते हैं कि कैसे हमको फर्स्ट बार लॉगिन होगा साउथ इंडियन बैंक। तो यहाँ पे आपको गो टू लॉगिन पे क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप सेव किए होंगे लॉगिन आईडी यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा, उसके बाद पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं सेव किए होंगे तो सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यूजर आईडी। तो जो आप यूजर आईडी बनाए होंगे सिंपल से आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो आपका कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है जो आप वहाँ पे बनाए हुए, उसके बाद यह कैप्चा आपको इसमें एंटर करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन। सिंपल से आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का यहाँ पे तीन तरह का चार तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है होम बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन जनरेट सर्विस और पर्सनल प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे हमेशा होम ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। तो फर्स्ट बार यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगा। जो हमारा नेट बैंकिंग SIB नेट बैंकिंग यानी कि साउथ इंडियन नेट बैंकिंग का देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको टर्म एंड कंडीशन के नीचे स्क्रॉल डाउन करना। आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन क्या है, यह सारा हमारा इंग्लिश में है। तो आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको टर्म एंड कंडीशन हम अपने ब्लॉग पोस्ट पे यह सारा हिंदी में आपको डाल देंगे। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। नहीं तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर सर्च करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जाने के लिए सिंपल से आपको सर्च करना है www.technicalbatein.in। तो technicalbatein.in जैसे ही आप सर्च करेंगे www.technicalbatein.in हमारे ब्लॉग पोस्ट पर ले जाया जाएगा। और ब्लॉग पोस्ट पर ले जाने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक का जो हमारा टर्म एंड कंडीशन होगा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं सिंपल से आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आई एग्री, सिंपल से आई एग्री पे क्लिक करना है। और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो डैशबोर्ड पे हम एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर रूप से बनाएंगे बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है और कैसे आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। आपके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे नेट बैंकिंग ट्रेनिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बार लॉगिन ऐसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।